हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए नई रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आज आप सबको नई तरीके से चिकन बनाना बताऊंगी। आज तक आपने चिकन के पकोड़े का सिर्फ चिकन चिली खाना जाने होंगे, पर आज मैं आपको सब्जी बनाकर बताऊंगी। मैंने प्याज को काट लिया है, आलू को काट लिए हैं, इधर चिकन पकौड़ा है मेरा, आधा लहसुन का पेस्ट है, जीरा पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है और हल्दी पाउडर है। हम कढ़ाई की तरफ चल रहे हैं। मेरा तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम आलू को फ्राई कर लेंगे, वो भी मीडियम आंच पे लाल कलर से फ्राई कर लेंगे। इसमें हल्का सा नमक डाल देंगे। इसको लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे। इसमें हम जीरा डाल देंगे। प्याज डाल देंगे। इसे लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज लाल हो चुका है, इसमें हम आधा लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसमें ये सारे मसाले डाल देंगे, हल्का पानी डाल देंगे। इसको एक मिनट तक फ्राई करेंगे। ये देखिए मसाला फ्राई हो चुका है, इसमें हम नमक डाल देंगे। इतना ग्रेवी में लगेगा उतना ही। और इसमें हम आलू डाल देंगे। आलू डालकर एक मिनट तक फ्राई करेंगे। इसमें हल्का सा पानी डाल देंगे। इसको एक मिनट तक फ्राई कर ले। देखिए मसाला मैंने फ्राई हो चुका है, इसमें हम पानी डाल देंगे। अब जितना ग्रेवी डालना चाहे उतना ही पानी डालिए, अब अपना अकॉर्डिंग इसमें उबाल आने देंगे। मेरा उबाल आ चुका है इसमें, अब हम चिकन को इसमें डाल देंगे। इसमें इसे एक मिनट तक फ्राई होने देंगे। एक मिनट तक इसमें उबाल आने देंगे। एक मिनट हो चुका है, इसमें उबाल भी आ चुका है। इसमें हल्का हम गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला डाल दिए हैं, अब इसको मिला लेंगे अच्छी तरह से। हल्का ग्रेवी रखिएगा, नहीं तो चिकन पकौड़ा ना सब ग्रेवी टान लेगा। अब हम गैस को बंद करेंगे। देखिए मेरा सब्जी बनकर रेडी हो चुका है, देखने में अच्छा ही लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे नए मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप एक बार ऐसे बनाकर ज़रूर खाइएगा।